मोदी जी आएंगे। अच्छा मोदी जी आएंगे, ईमानदारी से तो नहीं आएंगे, बैलेट पेपर चुनाव करवा लो फिर देखते कौन आता है, तब तब समझेंगे कि हाँ मोदी ही मैजिक है। किसने दिमाग में भर दिया आपको बैलेट पेपर? क्या एबीएम में किसने दिमाग भर दिया सरकार को? कांग्रेस का नहीं बोल दिया, जहाँ एबीएम बना वहाँ तो एबीएम का इस्तेमाल होता नहीं है। कांग्रेस क्यों चुप है? ईवीएम होता है, कांग्रेस क्यों चुप है? ईवीएम चुप नहीं है, सब आवाज उठा रहा है। अच्छा कांग्रेस आवाज उठा रही है, सब जीत गई है बीजेपी, उसके बाद आपको क्या लगता है 2024 में कांग्रेस कहीं पे है? हाँ कांग्रेस है ना, कैसे 48 पे है। क्या 2024 में सरवाइव करने के लायक है? पूरा कोशिश कर रही है। अच्छा लेकिन ना ये जो ईवीएम मशीन है इनके पीछे लगे हुए जो लोग हैं, जो यहाँ से वहाँ तक इनका घोटाला लगा के उधर ये उधर करके ना, उसके लिए ये समर्थन करके ये बीजेपी वाले हैं ना, तो ये कांग्रेस को बिल्कुल गिरा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। और बाकी के अगर बैलेट पेपर के हिसाब से अगर करना चाहो ना, तो ये हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, तो राहुल गांधी जी हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये बात कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कांग्रेस ने दिया नहीं है ईवीएम के बारे में? हाँ देती है, कहाँ दिया, किसी ने नहीं, कई बार दिया है, किसी ने नहीं दिया है अभी। अरे कांग्रेस ने दिया, हमारी समाज की जनता ने दिया है। अभी किसी से आने जाने वालों से किसी से पूछ लो ना, यहाँ पे जो भी मिलेगा किसी से पूछ लो बैलेट पेपर की। दो दिन पहले कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने साफ साफ कहा टीवी पे कि नहीं 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 ये सब कुछ नहीं होता, ईवीएम से कोई गड़बड़ नहीं है। कौन कहता नहीं होता, बोल तो रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। हम ये कहते हैं इंटरनेट से आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, आप कहते होंगे नहीं, आप मानोगे इस बात को, बहुत सारे लोगों को फ्रॉड बना दिया जाता है। ये आपको क्यों समझ में आता है हारने के बाद ईवीएम में गड़बड़ है? ये बात हारने पार्टी। अच्छा एक बात बताइए, तेलंगाना में कांग्रेस जीत गए तो वहाँ पे ईवीएम का गड़बड़ नहीं हुआ, ऐसे कैसे हम मान लें? वहाँ पे कांग्रेस ने गड़बड़ किया है, आप मान के चलो कि कैसे मान लें। ऐसा ना कि अगर हमारे देश में 29 से 31 राज्य हैं, अब दिखाने के लिए हम कहीं पे एक आध जगह ऐसा भी कर देते हैं कि हाँ चलो यहाँ पे जिताना भी चाहिए, और यहाँ पे बीजेपी हमारी सब हर जगह राज कर रही है, एक आध जगह उसको भी निकाल देते हैं, कहीं पे करते हैं गड़बड़ कहीं नहीं करते हैं, ये कंप्यूटराइज है, हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। जनता बीजेपी के साथ आ रही है, जुड़ रही है। कौन कह रही है बीजेपी के साथ आ रही है? वोट दिया जनता ने भाई। किसने दिया? जनता ने दिया। अरे जनता ने वोट दिया हो ना दिया हो, ये तो सब झूठ है। वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, मान के चलो ठीक है मैंने मान लिया 2014 में दिया 2019 में दिया, लेकिन कह रहा हूँ आने वाले समय में 2024 में कोई जनता बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती है, बहुत सारी ऐसी समस्या। चीज क्लियर हो गया है दो तीन स्टेट में कि वापस 2024 में बीजेपी आएगी, तो ये तो बस वही है। अब इसमें क्या क्लियर करना है? इसमें यही क्लियर करना है कि बीजेपी को वोट देना चाहती नहीं देना चाहती, फिर भी बीजेपी में ही वोट जाएगा, बस ऐसा ही है, नेट के जरिए जाएगा। चलिए भैया 2024 में मोदी जी वापस आ रहे हैं या कोई और आएगा? मोदी जी आएंगे। बढ़िया काम कर रहे हैं आपकी, 9 साल बे में चल रहा है आपके मोदी। क्या क्या मिला 9 साल में आपको? क्या नहीं मिला, हाईवे मिला और क्या क्या मिला, हाईवे अच्छी चीज है। क्या और क्या क्या मिला? बहुत कुछ मिला, क्या नहीं मिला बताओ। आवाज ही नहीं आ रही हम तक। नहीं वो महिला की सुविधा कितनी हो गई देखो, महिला को सुविधा हो गई। हाँ तो क्या क्या मिला? सारी कंबल क्या जो भी मिला है, घरों में जैसे लड़ाई होती थी सबको मारपीट होती मोदी जी घर की लड़ाई सुलझ हो गई, बंद हो गई ना बताओ। अच्छा मोदी जी घर की लड़ाई सुलझा दी है, सब कुछ सुलझ गया। हमारे घर में भी लड़ाई होती है। क्या लग रहा है भैया? आना उसी को है, इसको आना, ईमानदारी से कौन आ रहेगा? ईमानदारी से मोदी जी, ईमानदारी से नहीं आ सकता, तो कौन आएगा आप बताइए ना। आना उसी को है, किसको है बताइए तो उसी को, जिसका नाम एम्स है। जो बाइडेन को आना ना तो? मोदी जी आएंगे। अच्छा मोदी जी आएंगे, ईमानदारी से तो नहीं आएंगे, बैलेट पेपर चुनाव करवा लो फिर देखते कौन आता है, तब तब समझेंगे कि हाँ मोदी ही मैजिक है। किसने दिमाग में भर दिया आपको बैलेट पेपर? भैया एबीएम में किसने दिमाग भर दिया सरकार को? कांग्रेस का ही नहीं बोल दिया, जहाँ एबीएम बना वहाँ तो एबीएम का इस्तेमाल होता नहीं है। कांग्रेस क्यों चुप है? ईवीएम होता है, कांग्रेस क्यों चुप है? ईवीएम चुप नहीं है, सब आवाज उठा रहा है। अच्छा कांग्रेस आवाज उठा रही है, सब आवाज उठा रहा है। अब बैलेट पेपर चुनाव करवाओ तब हम भी मान मोदी भक्त हो जाएंगे कि हाँ वाकई मोदी भक्त मैजिक है। बैलेट पेपर चुनाव करवाओ 2024 की। अच्छा ठीक है, क्या लग रहा है भैया? ये ठीक कह रहे हैं, सही बात। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, चुनाव करवाए जो कह रहे हैं ब्लेट पेपर से, और क्या कहेंगे। अच्छा
हम भी तो वही पूछ रहे कि कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं बोलती है। कांग्रेस पता नहीं लोग के दिमाग में कहां से बढ़ गया है भैया, पता नहीं अब हम ईवीएम किसने मर दिया, सारे लोग कह रहे हैं पार्टी वाले, हम लोग क्या करेंगे। हाँ।